हेलो दोस्तों, हाल ही में आई रुसलान मूवी को आज हम एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आपका जो भी कमेंट्स आके यहाँ पे रुसलान मूवी का सर एक्सप्लेन करिए, जो कि हाल ही में मूवी आए, तो आज उसी को एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा आप लोग वॉच जरूर करिए। तो मूवी की शुरुआती में सीन मुंबई 2004 का होता है, जहां के एक टेररिस्ट बच्चों की स्कूल पर अटैक करने की प्लानिंग की वजह से वो पकड़ा गया। उसके बेटे रुसलाल को अनाथ आश्रम भेज दिया गया। वहां बाकी बच्चों ने उसको बहुत मारा, क्योंकि वो एक टेररिस्ट का बेटा था। फिर एटीएस ऑफिसर समीर अपनी वाइफ के साथ इन बच्चों के लिए गिफ्ट लाए। आज इनकी एनिवर्सरी होती है, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से इनको चाइल्ड नहीं है। यहाँ समीर ने रुसलान को अकेले उदास बैठकर देखा, पर इसने गवर्नमेंट से परमिशन लेकर के रुसलान को एडॉप्ट कर लिया। अब सीन 2024 में हो गया है। यहाँ रुसलान अपने पहले सीक्रेट मिशन पर बुलाया हुआ है। इसका काम यहाँ पर एक आम स्टील पर नजर रखने का था, इन्वॉल्व नहीं होना था। पर फिर एक गर्ल की लाइफ और डेट की बात पर आई और रुसलान ने रूल्स को तोड़ करके आम स्टील को ठोक दिया। पर एक प्रॉब्लम हो गई, वो पाकिस्तानी वेपन्स खरीदने आया था। राहिल वो भाग गया। अब इस इस्लामुल के में सबसे ज्यादा वायलेंस ना हो, इसके लिए रुसलान की हेल्प करने के लिए एक और एजेंट को आना पड़ता है। रुसलान की इस मिस्टेक की वजह से रॉ की 30 इयर्स की मेहनत जो कि वेस्ट हो गई है। अब इनको दोबारा रोहिल तक पहुंचने का चांस पता नहीं कब मिलेगा। रुसलान की बॉस मंत्रा ने इसको कभी एजेंट बनने को नहीं भी बोल दिया, क्योंकि रुसलान को हर चीज पर्सनल लेनी होती है। पर मंत्रा को रुसलान की बैक स्टोरी पता है और यह भी पता है कि रुसलान इस देश के लिए क्या कुछ करना चाहता है। तो रुसलान को फिलहाल इसके लिए अपना एसेट बना लिया गया और इस बार रुसलान का काम मुंबई के उन स्टूडेंट पर नजर रखना होता है जिनको टेररिस्ट देश के अगेंस्ट भड़का रहे होते हैं। रुसलान मुंबई आकर के कॉलेज में म्यूजिक का टीचर का काम करता है और यहाँ रुसलान के पेरेंट्स इसके लिए एक रिश्ता भी ढूंढ लिए हैं, पर वो रुसलान के बायोलॉजिक फादर टेररिस्ट थे और इसके वजह से इससे रिश्ता नहीं रखते हैं। रुसलान का ड्रीम बस जल्दी अपना पहचान बनाने का था, पर समीर नहीं चाहता था कि रुसलान इसके जैसा ऑफिसर बनके अपनी लाइफ डेंजर में डाले, कि रुसलान को एसी जॉब के अलावा कभी भी नहीं करेगा। अब सिंह हांगकांग में रिटायर जनरल ऊ के पास शिफ्ट हुआ। यहाँ पर आईएएस चीफ फवाद से मिलने आए। इन दोनों ने मिलकर एक और अटैक प्लान किया, जिसमें मोस्ट वांटेड टेररिस्ट कासिम वह की हेल्प करेगा। रॉ के पास कासिम के पास अलावा कोई इफो नहीं था। अब रुसलान कॉलेज में म्यूजिक सिखाने गया था, जल्दी म्यूजिक फेस्टिवल होने था जिसमें इंटरनेशनल कंपटीशन भी आएंगे। रुसलान को एक स्टूडेंट की सोशल मीडिया पोस्ट सैडिक लगी, जो कि उसके बात करने पे गुस्सा इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट दिखा, तो रुसलान उसके और प्रैंक हो गया और उसे स्टूडेंट को थ्रू उन लोगों से मिला जो कि गवर्नमेंट से नाराज स्टूडेंट को गवर्नमेंट के गिराने को भड़का रहे थे। इस ग्रुप में 5 स्टूडेंट्स ऐसे स्टूडेंट थे जिनकी आइडेंटिटी नहीं मिल पाई और वे इंडियंस भी नहीं हैं, और वो अफवाह भी फैलाते हैं मीटिंग के दौरान इंटेल म्यूजिक फेस्टिवल। उस डेंजर के बारे में पता चल गया, यह गवर्नमेंट को वार्न कर रही है कि ये वो के फंडिंग लेकर के इस म्यूजिक फेस्ट को कुछ बिग करने का प्लान कर रहे हैं। ये लोग एटीएस चीफ समीर भी उन पर फेस्ट नजर रखेगा। उधर आज से फेस्ट स्टार्ट हो जाता है और फेस्ट के एंड में एक छोटा सा ब्लास्ट हुआ। उस भगदड़ में रुसलान 3 बॉयज पर शूट हुआ और इनमें रुसलान बॉयज के उन ग्रुप में देखा जो रुसलान इन्होंने फॉलो किया था, बट फिर रुसलान को पकड़ लिया गया। इस बार रुसलान को एक छोटे बच्चे की जान बचाने के इसमें फाइट किया। ब्लास्ट की वजह से यहाँ पुलिस आ चुकी थी, तो वहां पर 3 स्प्लेंसेंस बॉयज को जान से मार दिया गया और अपना बैग लेकर भाग गया। रुसलान उन बॉयज में से किसी एक का फोन चोरी करके निकल जाता है। रुसलान भी दोस्तों पूरा बताता है कि वो फोन इसी ने, जो कि मंदिरा के पास 3 स्पेंस के पिक में उनमें से रुसलान ने काफी कंफर्म कर लिया था, वो हिटमैन है और वो इसको इम्पोर्ट चीज बैग में लेकर के गया है। फिर रुसलान उस डैमेज फोन का डाटा निकलवाने के लिए अपने फ्रेंड के पास ले गया। फ्रेंड ने वो फोन को तो ऑन भी कर दिया। इसमें एक वीडियो मिली, वीडियो में रुसलान को एक कोऑर्डिनेट का पता चलता, उसको सॉल्व करने के लिए वो गैस की पाइपलाइन का एड्रेस मिला। तभी रुसलान को कासिम का कॉल आता और रुसलान को इससे टेररिस्ट फादर के जैसे ही साइड आने को मना रहा था। कासिम को रुसलान के बारे में सब कुछ पता था, पर रुसलान देश से गद्दारी नहीं करेगा। तभी कासिम के गुंडे वो फोन लेने के लिए बिल्डिंग में आ जाते हैं और यहाँ से रुसलान और उसके फ्रेंड को सेफ निकालने में वानी ने हेल्प की। वानी को मंत्रा ने रुसलान पर नजर रखने को छोड़ा हुआ था। अब रुसलान के फोन छिपाने की वजह से अब यहाँ पे एजेंट वाले जो काम पर आए थे, फोन ऑन होने से रुसलान की लोकेशन रिवील हो गई।
अब आगे से इस केस पर वाणी काम करेगी। पर तभी रुस्लान ने काशिद के बाद में पूछा कि काशिद इसको कांटेक्ट किया था। मंत्रा ने रुस्लान को काशिद का तो नहीं बताया, बट रुस्लान अगेन लास्ट चांस दे रहा था। पर यह वाणी रुस्लान का काम करेगी, अब उस म्यूजिक फेस्ट पर नजर रखेगी। तभी कासिम का कौन लगन रुस्लान आता है और अगेन चांस देता है, रुस्लान को उसकी साइड आने को कहता है। टेररिस्ट एक अमेरिका बिजनेसमैन को मारने वाले थे, पर रुस्लान अगेन कासिम की साइड नहीं गया और उस बिजनेसमैन को सेव किया बाकी टेररिस्ट को मार करके, बट फिर भी किचन में किसी ने उस बिजनेसमैन को मार दिया। इसका इल्जाम रुस्लान पर आया और रुस्लान अब टेररिस्ट प्रूफ हो चुका था। पुलिस इसे अरेस्ट करने आ चुकी थी, कोई इस पर ट्रस्ट नहीं किया। समीर ने तो रुस्लान को भागने पर उसे हैंड पर शूट भी कर दिया था। इसके बाद वाणी सस्पेंड हो गई और रुस्लान के फ्रेंड को टेररिस्ट वाला टॉर्चर झेलना पड़ा। रुस्लान के पेरेंट्स को भी बहुत एम्बेस्ड फेस करना पड़ा। अब रुस्लान वाणी पर ट्रस्ट करने के इससे बुलाता है। वाणी ने रुस्लान को ओके कामिक के बारे में सब बताया। थ्री स्लिप पर सेंस ओके गैस पाइपलाइन कॉर्पोरेशन में काम करने गए थे और उस बिजनेसमैन को मार करके टेम्पलेट के वो ही पकड़ने जाएंगे, क्योंकि इंडिया में टेररिस्ट वाले डेट पाने से अच्छा है कि वो पाइप करके एक सोल्जर वाली डेट मिले। इससे मंत्रा से हेल्प लेने के गए, बट ऑफलेस रून की कोई हेल्प नहीं कर सकती है। अब न्यूज में इन्हें वो के लोकेशन का पता चल गया और फिर रुस्लान को कुछ हिट करती है और कुछ कहने लगती है कि रुस्लान को गैस पाइपलाइन थ्री पिलर सेंस को कमिश के आदमी थे। ओ को गैस पाइपलाइन में क्या काम करने गए थे ये पता लगाने की ओ के कंपनी के मेन सर्वर के एक्सेस करना होगा। उसका एक्सेस तो उसके पास ही होगा, वो राइट हैंड के पास। अब उसके फोन का क्लोन बनाने को वाणी ने उसे अपना ब्यूटी रिसर्च किया और रुसल ने फोन क्लोन बना लिया और फोन की हेल्प से दोस्तों गैस पाइपलाइन में 15 स्वीपर सेट गए थे। वहां से ट्रेन लेकर के वो गायब हो गए थे। थ्री इंडिया में मारे गए बाकी मिसिंग है और अब तक उस हिटमैन के बैग में क्या था यह किसी को भी नहीं बताया। फिर इन्होंने स्लीपर सेल वाले फोन की वीडियो अगेन देखी और इसमें एक और कोऑर्डिनेट था। रुसल के अटैक के इसके फंसाने का प्लान सब यहाँ पे डिस्टेक करने को था, ताकि ये लोग वीडियो को एनालाइज ना करें। और दूसरे को ऑर्डिनेट मुंबई गैस पाइपलाइन वाली कॉर्पोरेशन का था। यहाँ से पूरी मुंबई की गैस लाइन पाइपलाइन होती थी और यही इनको नेक्स्ट टारगेट होता है। अब रुस्लान की पार्टी में जाने को केक इन्विटेशन किए। ये दोस्तों रुस्लान का प्लान हुआ था कि अटैक के इन्फो निकालने का था और वो रुस्लान के अब तक की सारी हरकतें पता थी, तो रुस्लान के यहाँ आने की वेट कर रहा था। अब ओ ने दोस्तों रुस्लान के किडनैप को और बहुत टॉर्चर किया। यहाँ रुस्लान ने ओ को कमिस के अगेंस्ट भड़काने को भी ट्राई किया, पर वो अटैक वाला प्लान कमिस के बिना एग्जीक्यूट कर सकता था। इसका प्लान मुंबई में गैस पाइपलाइन के थ्रू एक केमिकल फैलाने का था, जिसमें पूरा मुंबई इफेक्ट होता। अब रुस्लान को जान से मारने का आर्डर देकर के खुद यहाँ से निकल गया। फिर रुस्लान एक्शन से इसमें सभी को मार दिया। वाणी भी इसे ढूंढते हुए यहाँ पर आ चुकी थी, पर यहाँ से बच करके निकल गया। अब यहाँ मंत्रा को सब बताने वाले थे, पर इंडियंस में मंत्रा का मर्डर हो चुका था। इसका फोन मंत्रा ने नहीं समीर ने पिकअप किया। समीर रुस्लान पर टच करके उस गैस पाइपलाइन पर जाएगा, रुस्लान वाणी को वहां से भी आएगा। थोड़ा सा एक्शन हुआ जिसमें सारे टेररिस्ट मारे गए थे, इंक्लूडेड लीड पर भी एक ट्वीट। समीर यहां पर आकर के रुस्लान को मारता है। यही कॉमिक 2004 में ही चाहता था कि रुस्लान के फादर बच्चों के स्कूल पर अटैक करे। जब उसने बच्चों पर अटैक नहीं करने से मना कर दिया, तो कॉमिक ने एटीएस पोस्ट का फायदा उठा करके उसे फंसा दिया। समीर रुस्लान से बहुत अटैच हो गया था, इसीलिए इसने अब तक रुस्लान को नहीं मरवाया। पर इसका टेररिस्ट वाला प्लान तो ये पूरा करेगा। तभी रुस्लान समीर को मार दिया और मुंबई को बचा लिया। दो मंथ के बाद रुस्लान को भी रोज अर्जेंट वाली जॉब मिल गई। फिर इसने ओ को ढूंढकर भी उसे भी मार दिया और मूवी की दोस्तों यहीं पर समाप्त हो जाती। तो आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भी मूवी एक्सप्लेन